भारतीय रिजर्व बैंक की पाबंदी झेल रहे पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक या पीएमसी समेत 21 सहकारी बैंकों के खाताधारकों के लिए बहुत बड़ी राहत की खबर है। अब ग्राहक 5 लाख रुपए तक की जमा राशि निकालने का दावा कर सकते हैं और दिसंबर तक उन्हें 5 लाख की रकम मिल भी जाएगी। दरअसल डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन यानी DICGC ने 21 बैंकों की लिस्ट जारी की है जहां के अकाउंट होल्डर 5 लाख रुपए तक की अपनी जमा राशि निकाल सकते हैं। जहां तक बात पीएमसी की है तो फिलहाल बैंक के ग्राहक 1 लाख तक की अपनी जमा राशि निकाल सकते हैं। हालांकि मेडिकल आपात स्थिति में 5 लाख तक की जमा राशि निकालने की अनुमति मिली हुई है, लेकिन इसके लिए मेडिकल सर्टिफिकेट देना होगा। लेकिन नए नियम के मुताबिक अब पीएमसी का हर ग्राहक 5 लाख तक की अपनी जमा राशि निकाल सकेंगे। आपको बता दूं कि सरकार ने डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन DICGC के नए कानून को 1 सितंबर 2021 को ही नोटिफाई कर दिया था। इसके जरिए यह सुनिश्चित किया गया है कि RBI की ओर से किसी बैंक के कामकाज पर रोक लगाए जाने के 90 दिनों के भीतर बैंक के डिपॉजिटर्स को 5 लाख रुपये तक की जमा रकम मिल जाए। वित्त मंत्रालय ने इस संबंध में 27 अगस्त 2021 को एक सर्कुलर भी जारी किया था। तो सवाल है कि ग्राहक को क्या करना पड़ेगा? तो ग्राहक को अपने पैसे वापस लेने के लिए यानी 5 लाख रुपए तक का दावा करने के लिए क्लेम फॉर्म भरना पड़ेगा। DICGC जमा की रकम या अधिकतम 5 लाख रुपए देगी। इंश्योर्ड डिपॉजिट पाने के लिए कस्टमर्स को अपने बैंक के जरिए क्लेम फॉर्म भरकर देना होगा। क्लेम फॉर्म बैंक में मिलेगा। क्लेम फॉर्म में दावाकर्ता यानी बैंक खाताधारक का सही सही नाम, बैंक का नाम, खाता संख्या, ब्रांच और रकम भरना है। क्लेम फॉर्म में मोबाइल नंबर और ईमेल का भी ब्यौरा देना होगा। 29 दिसंबर तक पीएमसी बैंक खाताधारकों को पेमेंट होगा। फॉर्म में खाताधारक को हस्ताक्षर भी करने होंगे। सही सही भरे हुए क्लेम फॉर्म के साथ DICGC द्वारा मांगे गए KYC और अन्य दस्तावेज भी देने होंगे। DICGC की ओर से जारी बयान के मुताबिक 15 अक्टूबर तक बैंकों की ओर से फॉर्म DICGC को देना होगा, जिसके बाद क्लेम का वेरिफिकेशन होगा और फिर उसकी प्रोसेसिंग होगी। 29 दिसंबर 2021 तक डिपॉजिट पर ब्याज सहित भुगतान होगा। सवाल है कि डिपॉजिट इंश्योरेंस है क्या? तो देश में बैंकिंग सिस्टम काफ़ी मजबूत है और रिजर्व बैंक की ओर से सभी बैंकों की निगरानी की जाती है, इसलिए इस बात की गुंजाइश कम है कि बैंकों में जमा आपके पैसे को खतरा है। बावजूद इसके भारतीय रिजर्व बैंक बैंक में जमा पैसे पर इंश्योरेंस कवरेज देता है। यह कवरेज RBI की सब्सिडियरी डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन देती है। DICGC के मुताबिक बैंकों में जमा रकम पर 5 लाख रुपये इंश्योरेंस कवर मिलता है, यानी आपका 5 लाख रुपये तक बैंक डिपॉजिट इंश्योरेंस कवर के दायरे में आता है। DICGC के इस कदम से PMC बैंक के अलावा श्री गुरु राघवेंद्र सहकारी बैंक, रुपया सहकारी बैंक, स्वतंत्रता सहकारी बैंक, अधूर सहकारी शहरी बैंक, बिदर महिला शहरी सहकारी बैंक और पीपल्स कोऑपरेटिव बैंक के खाताधारकों को भी फायदा होगा। इन 21 बैंकों में 11 महाराष्ट्र के हैं, 5 कर्नाटक से हैं, जबकि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, केरल और राजस्थान से एक एक बैंक शामिल हैं। तो कुल मिलाकर के 21 बैंक के ग्राहकों के लिए बहुत ही बड़ी राहत की खबर है और वो 5 लाख रुपये तक निकाल सकते हैं। दिसंबर तक उनको पेमेंट भी हो जाएगा। दोस्तों, ये हमारी 7 किताब है जो कि अमेजोन पर पब्लिश्ड है। आप इसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इसमें आपको पैसों के बारे में, निवेश के बारे में हिंदी में अच्छी जानकारी मिलेगी। साथ ही साथ कुछ कविताओं की भी किताब है जो ज़िंदगी की हकीकत बताएगी। तो इसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में इसके लिंक दिए हुए हैं।